मुरादाबाद में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। छेड़छाड़ की शिकायत पर दबंगों ने छठी के छात्र का प्राइवेट पार्ट काट दिया। दरअसल दबंगों ने उसकी बहन से छेड़खानी की थी। उसके पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी थी। इसके बाद दबंग लगातार समझौते का दबाव बना रहे थे। पिता के इनकार पर दबंगों ने कहा था, अगर जेल जाना पड़ा तो छेड़छाड़ में नहीं कत्ल में जाएंगे। पिता का आरोप है कि दबंगों की बात नहीं मानने पर उसके बेटे के साथ ये वारदात अंजाम दी गई है। घटना मुरादाबाद की भगतपुर थाना इलाके के गांव की है। यहां रहने वाले किसान की 14 साल की बेटी के साथ करीब 3 महीने पहले गांव के बिट्टू सिंह ने घर में घुसकर छेड़खानी की थी। जब शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठा हुई तो आरोपी भाग गया। इसी को लेकर पीड़ित पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तभी से आरोपी फैसले का दबाव बना रहे थे। फिलहाल मासूम की हालत गंभीर है। पीड़ित पिता का कहना है कि 31 दिसंबर को वे खेत पर फसल को खाद लगा रहे थे। उनका 12 साल का इकलौता बेटा खेत से वापस घर लौट रहा था, तभी रास्ते में आरोपी बिट्टू और उसके दो भाई सुमित और बंटी उसे खींचकर खेतों में ले गए और धारदार हथियार से उसका गुप्तांग काट दिया। पिता का कहना है कि उसके बेटे का रेस्टिकल पूरी तरह से कट गया है। फिलहाल बच्चे को मुरादाबाद के अपेक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना भगतपुर में मुकदमा लिखा गया है। मामले में और गहनता से छानबीन करके आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई जाएंगी। देवेंद्र सिंह, अब एक घायल बच्चों को जिला अस्पताल लेकर है, क्या हुआ उसके साथ? बंटी ने, सुमित ने उसके साथ और बिट्टू ने उसे मिलकर मारा करने खेत में। क्यों मारा था? मेरी लड़की को पहले बिट्टू ने छेड़ा था, तो रात मेरे घर फैसले को आए, दबाव बना रहे थे ना, फैसला कर लो नहीं तो एक आदमी मारेगा बस। तो हमने कही भाई हम बस तैयार, पर भाई वो माने नहीं। उन्होंने मेरी लड़की कहीं आज किस बेरा मैं जंगल को गया, मेरा लड़का खाद पहुँचाने गया, कब उसके जोते काट दें और टैटू हुआ दिया है। गुप्ता गुप्त जगह पे? हाँ नीचे। अच्छा, जोते काटे हैं। किस समय की घटना है ये? 1:30 बजे के टाइम की बात है, 1:30 बजे के टाइम की बात है। तो हाँ, बच्चा होश में आया तो मुझे नाम बता रहे आप। तो छेड़छाड़ कब की गई थी आपकी बेटी के साथ? 3 साल हो, वो 3 महीना हो गए। 3 महीने पहले उसकी हाँ, उसकी शिकायत पुलिस को करी थी आपने? जी जी, रिपोर्ट भी करी थी, इलाहाबाद जेल पर ही सब काम हुआ। तो ये लोग क्यों आए थे रात आपके घर पे? रात हमें बुलाया, फैसले टाइम हमसे कह रहे, वो बीच के आदमी कर रहे, तो वो कह रहे या तो तुम राजी से कह दो ना, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा साहब हुआ, आज अभी हम खाने गए तो बोले ऐसा कैसे, भाई हम चले आए तो बोले भाई हमने इन्होंने 19 लाख की बेची है, ये तो एक हाथ हम मूड रख लेंगे और एक हाथ हम पैसे रख लेंगे, तुम्हारा क्या बनेगा। हम चले आए साहब अपने घर, और अपने घर चले आए, सुबह खाद उद बखेरा, हमने लौट पर पहुँचाने का जंगल में क्या करा कैसे करा वो बताना। मतलब लड़का वो आया तो उसके ताऊ भी है, मैं भी है, तो उन्होंने आते कहीं ना पापा बंटी सुनी, पर इन्होंने मुझे मार दिया। आपने पुलिस में शिकायत कर दी? हाँ, रपट कर आए साहब, थाने गए हम। हालत कैसी है बेटी की आपके? हालत बहुत ख़राब है साहब, इस टाइम बहुत गंभीर है। क्या चाहते हैं? तो 5 अक्टूबर को छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उसमें 14-12 को चार्जशीट भी लग गई थी। उसके बाद इन करीब महीने भर बाद इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें बच्चे के अंडकोश में चोट लगी थी। चोट लगने पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो चुका है। क्योंकि ये मामला छेड़खानी का पहले हुआ था, 2-2.5 महीने पहले, उसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया था और उसमें चार्जशीट भी लगा दी गई थी। ये मामला उससे अलग है, ये उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस द्वारा टीम गठित कर दी गई है, आरोपित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो सर, जो मामला सामने आ रहा था कि उस वजह से छेड़खानी के विरोध में किया गया, तो ये सब झूठ है? हाँ, ये मामला, ये जो इस तरह के जो एलिगेशन है वो झूठे हैं। छेड़खानी का जो हुआ था वो पहले हुआ था, आज से 2.5-3 महीने पहले, उसमें मुकदमा पहले दर्ज हो चुका है और उसमें विधिक कार्रवाई की गई। अभी जो मामला हुआ है वो उससे बिल्कुल अलग है। सर, इस मामले में भी एफआईआर हुई है जो प्राइवेट पार्ट का हमने किया? हाँ, एफआईआर मुकदमा दर्ज हुआ है, 1 तारीख को मुकदमा दर्ज हो गया था उसमें, और इसमें एक टीम गठित कर दी गई, आरोपित व्यक्ति फरार है, उनके लिए पुलिस द्वारा दबिश डाली जा रही है, उनको गिरफ्तारी के लिए। 6 साल के मामले पहले हो गया।